हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के थर्ड लेक्चर में आ गया और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, टाइप्स, वो कैसे क्रिएट होता है वगैरह। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस के अंदर मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये वही स्ट्रक्चर है जो तैयार होता है जब बिजनेस के मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो तैयार हो रहा था, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसके डिविजन्स थे फंक्शनल, डिविजनल, ठीक है, जिसके टाइप्स थे सॉरी, तो वो जो तैयार हो रहा था वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। When the managers are carrying on organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार होता है कब, जब मैनेजर लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं, और वो ये किस लिए करते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है वही होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच इंडिविजुअल, द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या हमको पता चलता है कि हर इंडिविजुअल को क्या जॉब परफॉर्म करनी है, क्या काम करना है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हर इंडिविजुअल का डिजिग्नेशन, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर वगैरह जो डिजिग्नेशंस होते हैं वो किसकी क्या डिजिग्नेशन है, ये सब हमको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, ये चीज़ देखो मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये इंटेंशनली क्रिएट होता है, यानी कि इसको मैनेजर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ओके, ये अपने आप तैयार नहीं हो जाता है, इसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्यों क्रिएट होता है, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये क्यों बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम नहीं करेगा, एक निर्धारित तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर आप कभी भी गोल जो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब, तो हर बंदे को आप एक स्पेसिफिक जॉब बता देते हो कि आपका काम यही है, आपको ये करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। अब जब मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई, आप किसी को जब कोई काम दोगे तो काम को करने के लिए आपको उसको कुछ पावर्स भी देने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर, कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी बताया जाता है, काम तो बताया जाता है कि क्या काम करना है, उसके साथ ये भी बताया जाता है कि अथॉरिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर उस बंदे को कितनी दी गई है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस जो है बिजनेस के अंदर वो तय होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो रिलेशनशिप है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है, ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही तय होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन यानी कि फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि बॉस जो है वो अपने जूनियर से कम्युनिकेट करेगा, फिर जूनियर जो है वो अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो है स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही तैयार होती है। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वो हमको देखना है। तो एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले सिस्टमैटिक वर्किंग। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका ठीक ठाक होगा बिजनेस में, तभी जाके सिस्टमैटिक वर्किंग हो पाएगी, नहीं तो क्योस हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक वर्किंग ज़रूरी है, और सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है। ओके, तीसरा जो एडवांटेज है वो है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क।
अब जब आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना देंगे तो आप काम को जो है वो सिस्टमेटिकली बांट देंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी काम जो है वो ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, या ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी काम आपका छूट जा रहा है। सारी चीज़ें जब इक्वली अच्छे तरीके से डिवाइडेड होंगी एम्प्लॉयज़ में तो पूरा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। जब आप सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से हर काम को सजा देंगे, डिपार्टमेंट वाइज भाग कर देंगे और एम्प्लॉयज़ को असाइन कर देंगे, और ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स जो आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको फिर एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन भी आ जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण। पाँचवा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड क्या होती है? ये है एक बॉस, उसके अंदर है एक सबॉर्डिनेट, उसके अंदर फिर एक छोटा सबॉर्डिनेट, तो यहाँ पर क्या होता है, कमांड जो है वो ऐसे फ्लो करती है। बॉस अपने जूनियर को कमांड देता है, फिर ये जो है वो अपने जूनियर को कमांड देता है, तो इसको चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप तैयार होता है, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और चेन ऑफ कमांड जो है वो भी तैयार होता है। छठा पॉइंट है मोर एम्फोसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, एम्फेसिस ऑन वर्क, ठीक है, रैदर देन इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ये मान लो बॉस है, ये इसका सबॉर्डिनेट है और ये उसका भी जूनियर है, तो ये जो बॉस और सबॉर्डिनेट, ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफाइन हुई है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, हो सकता है कि एक्स और वाई एक दूसरे को बिल्कुल भी ना पसंद करते हों, लेकिन यहाँ पर हम दोस्ती यारी वाला रिलेशनशिप सेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये बॉस और ये जूनियर, ये रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं। अब सिमिलरली आप वाई और जेड में देख लो, हो सकता है कि वाई और जेड बचपन के दोस्त हो, इकट्ठे हों, पर जब ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वाई बॉस है और जेड जो है वो उसका सबॉर्डिनेट है, उसका जूनियर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप जो है सेट हुई है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण, वो प्रोफेशनल या फॉर्मल रिलेशनशिप है। यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, ये वाई और जेड बचपन के दोस्त हैं, ये चीज़ इस फैक्ट को फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो उसको इग्नोर कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने बस सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जो है वो सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वर्क पे ज़्यादा इम्फेसिस है, फॉर्मल रिलेशनशिप पे ज़्यादा इम्फेसिस है रैदर देन इंटरपर्सनल रिलेशन। ओके, अब डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन एक्शन वाइल फॉलोइंग स्केलर चेन एंड चेन ऑफ कमांड, एक्शन गेट्स डिलेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो मान लो इस बॉस को इस जेड से कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो बॉस अगर जेड से काम करवाना चाहता है तो वो डायरेक्टली जेड को जाके नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी, उसको पहले वाई को बोलना पड़ेगा और वाई फिर जाके जेड को बोलेगा, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वहीं पर जो है वो थोड़ा डिले इन एक्शन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स के कुछ इमोशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स होते हैं, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो रहा है वो बिल्कुल फॉर्मल रिलेशनशिप है, एज इफ कि ये बंदा एक रोबोट को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिर्फ ऑर्डर्स दूं और आपसे एक दो पर्सनल बातें ना करूं या इधर उधर की थोड़ी भी बातें ना करूं, सिर्फ ऑर्डर दूं और आपसे काम लूं, ऑर्डर दूं और काम लूं, तो एक रोबोटिक एक्टिविटी जैसी हो जाती है और ह्यूमन बीइंग्स ऐसे एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाते हैं। ठीक है, इससे उनमें डीमोटिवेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करता है, साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स को, वो सिर्फ काम से मतलब रखता है कि ऑर्डर्स देने हैं और काम निकलवाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ध्यान जो है, एम्फेसिस जो है, वो सिर्फ काम पे होता है, काम के अलावा उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, अब फॉर्मल तो हमने देख लिया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। तो इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल का जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये कोई तैयार नहीं करता है, ये खुद ब खुद तैयार हो जाता है। कैसे? अब मान लो कि ये एक डिपार्टमेंट, एक एग्जांपल मैं एक ब्लैंक पेज में समझाता हूँ आपको। मान लो ये बिजनेस हेड है,
ठीक है, इसके अंदर मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अब इसके अंदर कुछ लोग होंगे काम कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे कि सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग वगैरह के लोग जो हैं, और प्रोडक्शन में भी प्रोक्योरमेंट कोई देख रहा है, प्रोडक्शन कोई देख रहा है, तो अलग अलग लोग हैं। अब जो स्केलर चेन है या जो फॉर्मल चैनल है उसके हिसाब से ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये इसको रिपोर्ट सॉरी ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे करके जो है कम्युनिकेशन होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब मान लो यहाँ पर एक बंदा है एक्स और यहाँ पर एक बंदा है जेड। अब एक्स और जेड जो है इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो ऑफिस में ये लोग मिलते होंगे तो एक दूसरे से बातें भी करते होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट की कुछ खबरें एक्स जो है वो जेड को देता होगा, जेड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कुछ खबरें जो है वो एक्स को देता होगा, और आपस में इधर उधर की बातें भी होती होंगी। तो ये जो रिलेशनशिप्स जो बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर मान लो टॉप में ए है और यहाँ पर मान लो ई है, ठीक है, ये सब लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ। तो मान लो ए तो ई का बहुत ऊपर बॉस है, ई के बाद ये है, ये है, ये है, उसके बाद ए है, लेकिन ए और ई में एक काफ़ी अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप है और ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करते हैं, ठीक है। फॉर्मल बातें नहीं, बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड फॉर्मल बातें नहीं, इंस्ट्रक्शन अगर ए को ई को देनी होंगी तो इंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही फ्लो करके आएगी, इधर से इधर फिर इधर, लेकिन इनफॉर्मल बातें, कैसे हो, फैमिली में सब कैसे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई तो इनकी नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स नहीं है, काम वगैरह कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो इनके बीच भी एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो बना हुआ है, ओके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप का चेन तैयार हो जाता है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट के बीच, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के बीच, इस चेन या इस स्ट्रक्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आप इसको, आपको काम में जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो इसको अच्छे से काम में भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका अच्छा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए भी उठा सकते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो किसी ने तैयार नहीं किया बल्कि खुद बन गया, क्योंकि ह्यूमंस का एक सोशल साइड भी होता है, वो एक दूसरे से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, थोड़ी गॉसिप करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, तो इससे अच्छी खासी जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके। अब आओ नोट्स में वापस आते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब पोजीशंस दी जाती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। तो जब ये लोग इन जॉब पोजीशंस पे काम करते हैं तो वो फिर क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से क्या होता है, सम सोशल और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स ग्रुप्स जो हैं वो बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे इसकी दोस्ती हो गई वगैरह वगैरह। यही जो नेटवर्क है सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स जो हैं वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना लेती है, अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर है। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटेंशनली बनाया जाता है, और कौन बनाते हैं इसको, टॉप लेवल मैनेजर्स लोग बनाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई खुद से नहीं बनाता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, ओके। और इसका मेन पर्पस क्या है, ये क्यों बन जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जैसे कि ह्यूमन के कुछ सोशल वांट्स होते हैं, कुछ नीड्स होते हैं, कुछ दोस्ती यारी, कुछ गपशप, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है, ओके। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजिशंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड जॉब पोजिशंस आर क्रिएटेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इतनी बड़ी लाइन में यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा ये है कि ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है ना, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तभी बन पाएगा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही अलग अलग लोगों को रखा जाता है, अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है, और उसके हिसाब से ही लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब लोग काम करते हैं तभी जाके वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अकेले अकेला बैठ के तो कोई काम कर नहीं सकता, काम करते वक्त आपको एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी, और एक दूसरे से जब आप बात करेंगे तभी जाके फ्रेंडली रिलेशंस बनेंगे जो कि फॉर्मल रिलेशंस से अलग होते हैं, और उसी से इनफॉर्मल सिस्टम जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा
तो फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो एक इमेज दिया है, यहाँ से आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में आराम से समझ पाएंगे, ये बंदा इससे कुछ गॉसिप कर रहा है, ये इससे बातें कर रहा है, ये काम की बातें नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है, लेकिन इन सब के कारण इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली टाइप का एक रिलेशनशिप जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में सेम चीज़ है, ओके। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तो क्यों तैयार होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ और फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो कर रहा था, ठीक है, जो है सीनियर से जूनियर, फिर वैसे करके एक पाथ फॉलो कर रहा था डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज वगैरह वगैरह, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, जिसकी जिससे मर्जी दोस्ती हो जाती है और वो लोग आपस में कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। चौथा पॉइंट है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है वो टॉप लेवल से नीचे लेवल तक फॉर्मल चैनल के थ्रू पास होना चाहिए, ओके। अब मान लो कि यहाँ पर जो मेन बॉस है, जो ऊपर बैठा हुआ है, इसने दिवाली के लिए एक बोनस का अनाउंसमेंट किया और इसके लिए इसने एक ऑफिस ऑर्डर बनाया जो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर सर्कुलेट होना है कि इतना बोनस मिलेगा, ओके। तो ये जो ऑफिस ऑर्डर है ये कैसे फ्लो होगा, इसके बाद जो जूनियर है वो उसको देगा और बोलेगा कि सर्कुलेट करो, ये अपने जूनियर को देगा और बोलेगा कि तुम्हारे अंडर जो लोग हैं उनको सर्कुलेट करो, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मान लो कि ये जो बॉस है, इसने जिसको ये बोनस का ऑर्डर सर्कुलेट करने के लिए दिया, उसने क्या किया, इसका एक फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सएप पे, यहाँ पर एक बंदा है जूनियर लेवल पे, उसका दोस्त है, मान लो मिस्टर एक्स है इस जूनियर लेवल पे एक बंदा, इसको डायरेक्टली इसने व्हाट्सएप पे भेज दिया, ओके, या ईमेल कर दिया। तो क्या हुआ कि ये सर्कुलर जो है बोनस का, ये फॉर्मल चैनल से तो पहुंचता ही, पहले इनफॉर्मल चैनल से इसके पास पहुंच गया। अब इसने इसको दिया, उसने उसको दिया, इधर उधर व्हाट्सएप में डिस्ट्रीब्यूट होते होते जब मान लो कि मिस्टर किसी के पास आया, तो वो इसका सोर्स पता नहीं कर सकता कि ये कहां से चला था, ठीक है, इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। ये इतने लोगों में बढ़ जाता है कि कब, जैसे आपके पास व्हाट्सएप में जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, आप कभी भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि सबसे पहले किस बंदे ने उसको फॉरवर्ड किया था या उसको लिखा था, टाइप किया था। उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जब कोई बिजनेस से रिलेटेड खबर या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कम्युनिकेशन आती है तो वो आग की तरह फैल जाती है इनफॉर्मल चैनल में। और आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, हर चीज़ आराम से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो फिर लोग पता नहीं कर पाते कि ये किसने फैलाया या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता तो इनफॉर्मल भी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आता। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको लग रहा होगा कि ये तो फालतू का है, यहाँ पर तो सिर्फ गॉसिप होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। और कोई बढ़िया मैनेजर, कोई अच्छा जो है टैक्टफुल मैनेजर अगर कोई होगा तो वो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी अच्छे से फ़ायदा उठा पाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन मतलब, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बोनस का सर्कुलर है ये अगर फॉर्मल चैनल से आता तो स्लो पहुँचता, लेकिन ये बोनस का सर्कुलर वैसे भी तो सारे एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना था ही, तो इनफॉर्मल चैनल के कारण ये जो है फटाफट सब लोगों में आग की तरह फैल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फुलफिल सोशल नीड्स। अब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने के अलावा उनके कुछ सोशल नीड्स भी हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत पड़ती है अपना मन हल्का करने के लिए, या अपना दुख बांटते हैं लोग ऑफिस में आके, अपने परिवार में क्या समस्याएं चल रही है वगैरह वगैरह, उनसे उनका मन जो है हल्का होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। स्कूल कॉलेज में भी हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा खेलते कूदते हैं, उद्यम मचाते हैं, तो ये सोशल नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग का जो है रिक्वायरमेंट है। आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो और उसको सारे खिलौने, टीवी, वीडियो गेम्स, जो उसको चाहिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब दे दो, लेकिन किसी और से इंटरेक्ट मत करने दो, किसी और से बातचीत न करने दो, तो वो पागल हो जाएगा।
सेम चीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी को सुबह से शाम तक बैठा के बोलो कि ये फाइल्स लो और सिर्फ काम ही करो, तो वो बंदा तो पागल हो जाएगा। उसको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। मान लो कि आपने बिजनेस में, आपने अगर ऐसा रूल कर दिया कि कोई भी काम के अलावा किसी से कोई दूसरी बात नहीं करेगा, अगर करा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, तो आपके बिजनेस में कोई नहीं टिकेगा, सब वहीं से वहीं भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करेक्ट फीडबैक। अब बहुत समय क्या होता है कि मान लो, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से ये चीज़ समझा देता हूँ, करेक्ट फीडबैक का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक एमडी है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अंदर हैं कुछ सीनियर मैनेजर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हैं मैनेजर और इसके अंदर है मान लो असिस्टेंट मैनेजर। ओके, तो ये है एक स्ट्रक्चर, ऐसे इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होता है। अब एमडी ने एक पॉलिसी लगाई, नई पॉलिसी, ओके, पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर चालू कर दी। अब ये पॉलिसी जो है, ये इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, और फिर एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये पॉलिसी लागू कर दी गई। अब एमडी जानना चाहता है कि ये जो पॉलिसी मैंने चालू की है, उससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब क्या होता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लोग जो हैं वो अपने बॉस को कभी नाराज़ नहीं करना चाहते, उनको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोशन वगैरह की बातें होती है। अब जैसे मान लो क्लास टीचर है आपका, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके टीचर्स होंगे, काफ़ी टीचर्स को आप पसंद नहीं करते होंगे या उससे खुन्नस खाते होंगे, लेकिन जब वो टीचर सामने आते होंगे या अपने बारे में फीडबैक पूछते होंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमेशा उनकी तारीफ़ ही करते होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि मुंह में कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। तो ये जो पॉलिसी मान लो इस एमडी ने लगाई है, उसने जो ये फीडबैक मांगा, मान लो असिस्टेंट मैनेजर से फीडबैक मांगा कि कैसा चल रहा है ये पॉलिसी, तो असिस्टेंट मैनेजर ने अच्छा फीडबैक दिया, फिर मैनेजर ने यही फीडबैक ऊपर पास कर दिया, और सीनियर मैनेजर ने एमडी को यही फीडबैक दिया कि चलो जो पॉलिसी आपने बनाई वो अच्छा चल रहा है, लेकिन रियलिटी में इस पॉलिसी के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और ये चीज़ एमडी को कभी कभी पता चल जाती है इनफॉर्मल चैनल से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल जो है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उससे फ्लो करके आता है। मान लो एमडी का ही कोई जाना माना है या बहुत खास बंदा है जो नीचे असिस्टेंट मैनेजर के नीचे काम करता है। ठीक है, ये एमडी का बहुत खास बंदा है, इसको बुला बुला के एमडी बार बार पूछता है, बताओ तो नीचे सब चीज़ कैसा चल रहा है। तो इसने डायरेक्टली बता दिया कि सर आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, पर असिस्टेंट मैनेजर ने आपको सब कुछ अच्छा बताया, क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहता है, वो आपको दुखी नहीं करना चाहता है, वो आपको सैड नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसीलिए उसने सब अच्छा रिपोर्ट दिया, पर एक्चुअल में कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली इसके पास गया, ये इनफॉर्मल चैनल से गया, और उससे उसको करेक्ट फीडबैक मिला। ठीक है, इसको पता चल गई कि पॉलिसी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इसको याद रखना। ठीक है, तो इससे आपको कभी कभी करेक्ट फीडबैक मिल जाता है। ओके, इसके बाद जो है स्ट्रेटजिक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेफालतू की चीज़ नहीं है, इसको मैनेजर्स लोग कभी कभी बहुत स्ट्रेटजिकली यूज़ करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब क्या होता है कि फॉर्मल चैनल से तो सिर्फ आपके पास ऑर्डर्स ही आते हैं, लेकिन इनफॉर्मल जो चेन है उसके थ्रू आप जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कभी हो सकता है कि बॉस जो है वो सारे अपने अंडर के एम्प्लॉयज़ को ले गया किसी रेस्टोरेंट में, उन लोगों को खिलाया पिलाया, उन लोगों से दो चार बातें की और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है हमारे, हमको अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको और अच्छा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इस दूसरे डिपार्टमेंट से हमको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है वगैरह चीज़ें बोल के वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, थ्रू ग्रेपवाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। कभी कभी ग्रेपवाइन जो होता है, इसका मतलब पहले बता दूं, ग्रेपवाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल जो है वो इनफॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू ही हो सकता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं हो सकता। तो बहुत समय क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे बोनस के सर्कुलर वाला मैंने बताया, वो कभी कभी फॉर्मल चैनल से फ्लो होने में टाइम लगता है, लेकिन इनफॉर्मल चैनल से वो ग्रेपवाइन जो है उससे फटाफट ट्रांसमिट हो जाता है। इससे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का भला भी हो जाता है। ओके,
तीसरा पॉइंट है बाय कोऑपरेटिंग विद द इनफॉर्मल ग्रुप्स द मैनेजर्स कैन स्किलफुली टेक एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब कभी कभी क्या होता है किसी किसी कोई कोई मैनेजर जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखता है अपने नीचे के जूनियर्स के साथ, उतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छे मैनेजर्स नहीं होते हैं। जो मैनेजर्स अपने अंडर के एम्प्लॉयज़ के साथ उनको इंस्ट्रक्शन दे के उनसे काम तो निकलवाते ही हैं जो कि फॉर्मल चैनल के थ्रू है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक हेल्दी पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप के चलते कभी कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कभी कभी आपका अगर अकड़ू मैनेजर हो तो आप उसके लिए चाह के भी काम नहीं करना चाहते हैं, ये जानबूझ के वो उसने कोई काम दिया आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई मैनेजर हो जो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली है, आपसे अच्छी बातें करता है, हंस के बातें करता है, दो चार इधर उधर की भी बातें करता है, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में पूछता है, तो जब वो मैनेजर आपके पास कोई काम लेके आएगा ना तो आप उसको मना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ जो है कोऑपरेशन और इनफॉर्मल ग्रुप के थ्रू मैनेजर जो है वो एडवांटेज ले लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके काम जो है वो अच्छे से निकलवा सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हर चीज़ का एडवांटेज हो तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो गई। ओके, तो सबसे पहला है स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स। कभी कभी क्या होता है कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफॉर्मल चैनल के थ्रू स्प्रेड हो जाती है, और ज़्यादातर देखा गया है कि 70% इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखो 70% इन्फॉर्मेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू फ्लो होती है वो रूमर्स ही होते हैं, इधर उधर की बातें, चुगलियाँ वगैरह, ठीक है, ये सब रूमर्स होते हैं, और इनसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिसलीड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नो सिस्टमैटिक वर्किंग। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से किसी काम में हेल्प नहीं होता, यहाँ पर कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती, सिस्टमैटिक वर्किंग तो फॉर्मल स्ट्रक्चर से ही होता है, यहाँ पर ये सिस्टमैटिक वर्किंग में कोई हेल्प नहीं करता। तीसरा पॉइंट, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि कभी मैनेजमेंट जो है वो कोई पॉलिसी लगाती है और उस पॉलिसी का सब लोग विरोध करते हैं, ठीक है, विरोध कैसे करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों की आपस में दोस्ती यारी है तो सब लोग मिलके उस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं, अरे ये पॉलिसी लग गई तो ऐसा हो जाएगा, वो पॉलिसी लग गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर ये लोग इकट्ठा एक झुंड बना लेते हैं, यूनियन वगैरह बना लेते हैं, यूनियन बना के वो जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते, उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स उसके कारण हो सकता है। मोर एम्फसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लिए बनाया गया था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो किसी ने बनाया नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली बन गया, और वो भी किस लिए बना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, न कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। हो सकता है कि गॉसिप वगैरह के कारण एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा वर्क आवर्स लॉस हो रहा हो, थोड़ा सा टाइम लॉस हो रहा हो, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में थोड़ी सी हैम्पर हो रही है, लेकिन ये जो है ये इंडिविजुअल के पर्सनल सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पर जो है एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, एम्प्लॉय को अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो मिल करती है चुगलियाँ करके, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के काम को थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया उस तरह से। अब देखो, यहाँ पर एक इमेज में समझाने की कोशिश की है फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, वहाँ पर जनरल मैनेजर के नीचे देखो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर है, और उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स मैनेजर के नीचे सेल्स ऑफिसर और परचेज मैनेजर के नीचे परचेज ऑफिसर। तो ये जो पिंक लाइन से डिनोट है ये फॉर्मल चैनल है, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से डिनोटेड है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स ऑफिसर की परचेज मैनेजर के साथ दोस्ती है, परचेज ऑफिसर की सेल्स मैनेजर के साथ, प्रोडक्शन मैनेजर की सेल्स ऑफिसर के साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर की परचेज मैनेजर के साथ भी दोस्ती हो, तो ये सारे सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो इस चार्ट को मैं और एक्सप्लेन करूँगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे तक। ठीक है, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना क्योंकि इसका डिफरेंस जो है आपसे एग्जाम में
पूछ सकता है। अगले वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।